वह राम मंदिर के मुद्दे पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश में जुटे श्री श्री रविशंकर आज लखनऊ में फिरंगी महली से मिले, जहां रविशंकर ने कहा कि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं, बस आपसी सहमति से मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं फिरंगी महली ने भी कहा कि इस तरह की कोशिशों का स्वागत है। देखिए, ये सभी संभावना है, इसमें कोई चीज हमने ऐसा नहीं छोड़ा, क्योंकि हम कोई एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं, हम एक रास्ता खोज रहे हैं। इसलिए आप लोग समय दीजिए, बहुत जल्दीबाजी मत करिए। हम लोग सब मिलके सभी लोगों से बातें करेंगे, इसमें सिर्फ दो जनों की बात नहीं, दस जनों की बात नहीं, काफी लोग, रेणुमा के लोग, धार्मिक लोग इकट्ठे होंगे, सबसे बातचीत होगी। मुझे पूरा विश्वास है देश के लिए कुछ बहुत बड़ा चीज इससे निकलेगी, बढ़िया चीज। हम लोगों के दरमियान एक बात और जो कॉमन हुई वो ये कि अगर दोनों तरफ के मजहबी लीडर इस तरीके से हर थोड़े दिन बाद आपस में बैठते रहे हर लेवल पर, तो जो दूरियां हैं वो इंशाल्लाह दूर होंगी। और आज मैंने जो आपका यहाँ पे इस्तकबाल किया है वो इमाम शहर और इमाम ईदगाह की हैसियत से किया है, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना फरंगी महली जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। जी शुक्रिया जी। आज श्री श्री रविशंकर जी आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे राम मंदिर के मुद्दे पर, क्या कुछ बातें हुई? जो हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर में ईदगाह में तशरीफ लाए थे, हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया फूलों के गुलदस्ते से, और हम लोग बैठ कर गुफ्तगू हुई, उसमें इस नतीजे पर पहुंचे जी कि दोनों कौमें हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं उनको मजहबी रहनुमा बैठ करके अगर हल करना चाहें तो बआसानी हल हो सकता है, और इससे पूरे मुल्क के लिए ये फायदेमंद है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई सियासत नाकाबिल कबूल है। जी मौलाना फरंगी महली साहब, आध्यात्मिक गुरु यानी कि शांति के प्रतीक भी कह सकते हैं श्री श्री रविशंकर जी को, और ये इसलिए उन्होंने सीधे सीधे आपको कहा कि हमारे पास एजेंडा नहीं है, उन्होंने कई जगह ये जिक्र किया, सीएम के पास भी उन्होंने ये जिक्र किया, लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग मुस्कुराकर इस काम को आसान कर दे, लेकिन ऐसा संभव लग रहा है? यकीनी तौर पर दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत से हल ना हो, बशर्ते कि दोनों तरफ की नीयतें दुरुस्त हों और एक विल पावर हो मसले को हल करने के लिए। और श्री श्री रविशंकर साहब हिंदुओं के एक बड़े मजहबी रहनुमा हैं, इस नक्ते नज़र से हम लोग उनका एहतराम करते हैं, और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर इस तरीके की बैठकें हर इस लेवल पे होती रहें तो बड़े बड़े मसाइल हल किए जा सकते हैं। जी मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि आपसी सहमति से अगर ये काम हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, हालांकि इसका ट्रायल भी शुरू होगा, तो आप दोनों में से किस में आप ज्यादा यकीन करते हैं? 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हियरिंग शुरू होने जा रही है जी। अब अगर जाहिर सी बात है कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा, और उसी से पहले जो भी अगर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल सकता हो तो वो भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि जितने भी पक्षकार हैं, चाहे सुन्नी वोट के हो या सिया वोट के, तो इसमें प्रमुख तौर पर नहीं है, सुन्नी वोट के हैं, वो लोग इसमें सहमति नहीं जता रहे हैं, क्या आप एक धर्मगुरु होने के नाते जिस तरह से श्री श्री रविशंकर जी ने पहल की है आप क्या पहल कर सकते हैं? नहीं, इसमें इस बात से कोई भी पक्ष इनकार नहीं कर रहा है जी, आपका ये कहना है कि अगर किसी के पास कोई फॉर्मूला है तो इन राइटिंग जो कंसर्न पार्टीज हैं कोर्ट में उनके पास भेजिए, उसका फॉर्मूला कोर्ट में सबमिट करें, जिससे कि ये मसला बगैर किसी कंट्रोवर्सी के हल किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।